नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक चिट्ठी लिखकर बिजली के सिलसिले में कुछ सवाल पूछे और एक राजनीति करने का प्रयास किया। दुख का विषय है कि वे राजनीति गलत फैक्ट, गलत जानकारी के आधार पर कर रहे हैं। उन्होंने जो सवाल पूछे उसका जवाब तो मैं सिलसिलेवार तरीके से दूंगा ही, लेकिन मनोज तिवारी जी जो चुने हुए सांसद भी हैं, उन्हें झूठे फैक्ट्स और गलत जानकारी के आधार पर इस प्रकार की बरगलाने वाले बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। मैं मनोज तिवारी जी को चुनौती भी देता हूं कि बिजली से संबंधित जो भी बातचीत, जो भी दोषारोपण आज उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से करने का प्रयास करा है, जो राजनीति करने का प्रयास करा है, मैं उन्हें चुनौती देता हूं एक खुली बहस की। मैं कहता हूं उन्हें कि एक ओपन डिबेट हो जाए जिसमें आप रहें, अपनी पार्टी का पक्ष रखें, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा, जनता के सामने बहस हो जाए और बिजली के मुद्दे पर आपने जितने झूठ आज एक पत्र के माध्यम से बोले हैं, मैं उन सारे झूठों का पर्दाफाश करूंगा। खैर, आज जो पत्र में उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, बातें करी हैं, उस पर मैं संक्षेप में तथ्यों के आधार पर आज आपके समक्ष पूरी जानकारी रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली बड़ी महंगी है, बड़े महंगे दामों पर दिल्ली की जनता को बिजली खरीदनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में बिजली की सप्लाई नहीं है, बहुत कम बिजली आ रही है, बड़ी जगह बिजली जा रही है। उस सिलसिले भी मैं जवाब दूंगा मनोज तिवारी जी। सबसे पहले उन्होंने बिजली के दामों की बात करी। मैं मनोज तिवारी जी को कहना चाहूंगा कि पूरे भारत देश में सबसे सस्ती बिजली यदि किसी राज्य में मिलती है तो वो दिल्ली राज्य में मिलती है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले ऐसा नहीं था। पहले दिल्ली में भी महंगी बिजली मिला करती थी, बिजली कंपनियों की मिली भगत से कई सरकारें दिल्ली में चलती रहीं, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी की एक ईमानदार सरकार दिल्ली में बनी, तब से दिल्ली में बिजली के दाम पूरे भारत देश में सबसे सस्ते किए। मैं आज आंकड़ों के आधार पर यह बात मनोज तिवारी जी तक पहुंचाना चाहूंगा ताकि वे आज की बात तो कम से कम झूठे और बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। 200 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन करने वाली एक हाउसहोल्ड को दिल्ली में देने पड़ते हैं ₹2.25 प्रति यूनिट। यही रेट भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात में ₹3.80 के आसपास है। यही रेट भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित उत्तर प्रदेश में ₹6.03 है। यही रेट भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित महाराष्ट्र में ₹6.40 और हरियाणा में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर यह रेट ₹3.75। अब आ जाते हैं कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों पर। मध्य प्रदेश, जहां पर यही रेट ₹6.54 है। कर्नाटका, जहां पर यह रेट ₹6.06 है। राजस्थान, जहां पर यह रेट ₹6.72 है। छत्तीसगढ़, जहां पर यह रेट ₹3.80 के आसपास है। कहने का मतलब यह है कि 200 यूनिट की खपत के लिए जो दाम आपको अपनी जेब से भरने पड़ते हैं, जो पैसे आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं, वो दिल्ली में सबसे कम है, यानी कि केवल ₹2.25। बाकी देश के अन्य राज्यों में ये रेट ₹3 से लेकर ₹10 तक है, लेकिन दिल्ली में ये रेट अरविंद केजरीवाल जी आपको केवल ₹2.25 में उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ साथ 200 यूनिट वाली खपत वाले बिल में एक चार्जेस भी आते हैं। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि बहुत चार्जेस लगाए जा रहे हैं, बड़े चार्जेस लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा। मैं इस पर भी रोशनी डालना चाहूंगा। फिक्स्ड और वेरिएबल चार्जेस जोड़कर और सब्सिडी और जो भी राहतें देश की तमाम सरकारें दे रही हैं, उसको इससे, इस जोड़ से हटाकर जो फाइनल चार्जेस आज एक उपभोक्ता को भरने पड़ते हैं वो कुछ इस प्रकार। दिल्ली में ₹450, यानी कि ₹450, गुजरात में ₹758,
उत्तर प्रदेश में 1205 यानी कि 1250 रुपए, महाराष्ट्र में 1313 यानी कि 1313 और हरियाणा में 750 रुपए। अब आ जाते हैं कांग्रेस शासित राज्यों पर, मध्य प्रदेश में यही रेट है 1307, कर्नाटका में यह रेट है 1200, राजस्थान में यह रेट है 1343 और छत्तीसगढ़ में यह रेट है 756। यानी कि फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस जोड़कर भी सबसे सस्ते चार्जेस यदि किसी प्रदेश में लिए जा रहे हैं जनता से तो वो है आपका अपना दिल्ली राज्य, जहां केवल 450 रुपए लिए जा रहे हैं और देश के अन्य राज्यों में 750 से लेकर 2000 रुपए तक उपभोक्ताओं से लिए जा रहे हैं। यानी कि सबसे सस्ती बिजली देने का वादा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में पूरा कर रहे हैं। 400 यूनिट तक अपनी बिजली की खपत रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली में रेट है 3.50 रुपए प्रति यूनिट, यही रेट गुजरात में 4.45 रुपए, यही रेट उत्तर प्रदेश में 6.67 रुपए, यही रेट महाराष्ट्र में 11.56 रुपए और यही रेट हरियाणा में 7.03 रुपए। और कांग्रेस राज्यों की भी अगर बात करें तो कांग्रेस राज्यों में भी ये रेट 7.23 रुपए है कर्नाटका में, 6.74 रुपए है राजस्थान में, 4.54 रुपए है छत्तीसगढ़ में। यानी कि यहां पर भी मात्र 3.5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही है जिनकी खपत 200 यूनिट से ऊपर और 400 यूनिट तक है। यानी कि सबसे सस्ती बिजली यहां पर भी 400 यूनिट की खपत करने वालों में भी केवल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। और यदि इसका भी आप फिक्स चार्जेस वेरिएबल चार्जेस को जोड़कर देखें तो ये चार्जेस भी पूरे देश भर के मुकाबले दिल्ली में सबसे कम है। दिल्ली में केवल 1400 रुपए, मात्र 1400 रुपए के चार्जेस हैं 400 यूनिट तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए। गुजरात में ये 1700 है, यूपी में ये 2600 है, महाराष्ट्र में ये 4600 है, गुजरात में ये 2800 है। यानी कि इसी प्रकार से हजारों की तादाद में उपभोक्ताओं से ये पैसे लिए जा रहे हैं। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और अन्य राजधानियों की तरह हर राजधानी में भी सबसे ज्यादा महंगाई होती है, हर चीज महंगी मिलती है, वहां पर पूरे देश भर के मुकाबले सबसे सस्ती बिजली देने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। और मैं आज ये फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूं, सारे चार्जेस सारे रेट के आधार पर आप सबके सामने ये जानकारी दे रहा हूं। तो मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहूंगा कि अपने राज्य जहां पर आपकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में कई राज्यों में, उन राज्यों के बिजली के दामों को उठाकर देख लीजिए, आप उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं। जब राजधानी में जिसे सबसे महंगा शहर माना जाता है पूरे देश का, उस शहर में अरविंद केजरीवाल जी यदि उपभोक्ताओं को सबसे सस्ती बिजली दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्य राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर क्यों नहीं सस्ती बिजली दे पा रहे। मैं कहना चाहूंगा मनोज तिवारी जी को कि आपने ये जो आरोप लगाया कि दिल्ली में बिजली कम है या दिल्ली में बिजली जा रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तब से लेकर आज तक लोगों ने इन्वर्टर और जनरेटर खरीदने बंद कर दिए, क्योंकि 24 घंटे की सप्लाई अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के हर उपभोक्ता को दे रहे हैं। दिल्ली भारत देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। मैं मनोज तिवारी जी को चुनौती देता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य बताएं जहां 24 घंटे बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है, एक राज्य भारतीय जनता पार्टी का ऐसा बताएं जहां पर सस्ती बिजली मिल रही है, दिल्ली के दामों से सस्ती बिजली। बहुत राज्यों में इनकी सरकार है, बड़े पिछड़े राज्यों में इनकी सरकार है, इतने विकसित राज्य भी नहीं है दिल्ली जैसे, वहां पर भाजपा की सरकार है, भाजपा क्यों नहीं सस्ते दामों में बिजली दे पाती जब एक ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं 24 घंटे बिजली दे पा रही जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में दे पा रहे हैं। ये स्पष्ट आरोप जो मनोज तिवारी जी ने आज लगाए, मैं उनसे ये सारे सवाल पूछना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के झूठे बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। और बिजली के मुद्दे पर मैं मनोज तिवारी जी को कहना चाहूंगा, ये सारे तथ्य लेकर आने के लिए मैं तैयार हूं, जिस समय जिस जगह आपको बहस करनी हो मैं वहां आ जाऊंगा, मौजूद रहूंगा। आइए मिलकर आप और मैं बहस करते हैं
तथ्यों के आधार पर और जनता के सामने अपनी बात रखते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन सी सरकार दिल्ली में सबसे कम दामों में और 24 घंटे बिजली दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें महंगी बिजली और कम बिजली उपभोक्ताओं को दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, जय हिंद।